हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट विलियम विल्की कॉलिंस. विलियम विल्की कॉलिंस, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द राइटर ऑफ विक्टोरियन एज. लेट्स टॉक अबाउट हिज लाइफ. ही वॉज बॉर्न इन 1824 एंड ही वॉज डाइड इन 1889 एंड ही वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ल्स डिकिन्स. वो फ्रेंड थे चार्ल्स डिकिन्स के. एंड चार्ल्स डिकिन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन हमने अपनी वीडियो में किया है. चार्ल्स डिकिन्स कंप्लीट कर लिए थे तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें. चार्ल्स डिकिन्स का जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन वन ऑफ द फेमस राइटिंग है जो इज़ रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ विलियम विल्की कॉलिंस. तो विलियम विल्की कॉलिंस ने ही उनको रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसी एक स्टोरी लिखे दैट चार्ल्स डिकिन्स चेंज द एंडिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन. तो उसके बाद में उन्हीं की राय पे चार्ल्स डिकिन्स ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन की जो एंडिंग थी वो चेंज कर दी थी. तो ये मैंने उनकी वीडियो जब चार्ल्स डिकिन्स हमने किया था जब भी मैंने बताया था. तो आज विलियम विल्की कॉलिंस हमने करा है तो उसके ऊपर आपको याद रखना है. इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है क्वेश्चन देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए क्लोज फ्रेंड्स ऑफ चार्ल्स डिकिन्स ऑब्जेक्टेड टू द ओरिजिनल एंडिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इन विच स्टेला रीमैरिज एंड पिप रिमेन सिंगल. तो स्टेला क्या रीमैरिज कर लेती है और जो पिप है वो सिंगल रह जाता है. तो डिकिन्स अकॉर्डिंगली रिवाइज टू ए मोर कन्वेंशनल एंडिंग विच सजेस्ट दैट पिप एंड स्टेला विल रीमैरी. हु वॉज द फ्रेंड, तो कौन था जो इन दोनों ने फिर शादी करी थी, तो कौन था जिन्होंने ये उनको बोला था कि ऐसी एंडिंग दो, तो कौन थे? विलियम विल्की कॉलिंस. द आंसर इज विलियम विल्की कॉलिंस. तो आपको याद रखना है क्लोज फ्रेंड जिन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन की एंडिंग को चेंज करने के लिए बोला था. तो स्टार्ट करते हैं इनके वर्क्स. द फर्स्ट वर्क इज द वुमेन इन वाइट. अब सोच के देखो, वुमेन इन वाइट सोच के ही डर लगता है कि सफ़ेद साड़ी में औरत घूम रही है. वुमेन इन वाइट इस टाइप का है विलियम विल्की कॉलिंस की द फर्स्ट राइटिंग. तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1860. ये पब्लिश हुई थी 1860 में एंड इट इज़ ए मिस्ट्री नॉवल. तो ये मिस्ट्री है, जैसे मैंने बताया कि भाई हाँ वाइट ड्रेस में कोई घूमे औरत और गुम नाम है कोई गाना था ना उस टाइप का. तो 1860 में मिस्ट्री नॉवल है ये. इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ टू सिस्टर्स हु आर लिविंग विद देयर सेल्फिश अंकल एंड गार्डियन. तो ये दो सिस्टर्स की कहानी है जो अपने सेल्फिश अंकल एंड गार्डियन, जो उनका गार्डियन भी है सेल्फिश अंकल है, उनके साथ ये दोनों बहनें रह रही है. तो एंड देर आर ए लॉट ऑफ मल्टीपल नरेटर्स. तो बहुत सारे इसमें नरेटर हैं. वो स्टोरी हमने देखी होगी कि कई स्टोरीज में एक ही नरेटर होता है, लेकिन इसमें क्या बहुत सारे नरेटर्स दे रखे हैं इन टेलिंग दिस नॉवल. तो नॉवल को बोलते टाइम काफ़ी नरेटर्स चेंज हो रहे हैं. इट इज़ ए वर्क ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन. तो ये वर्क क्या है? डिटेक्टिव फिक्शन है एंड द प्रोटोगोनिस्ट इज कॉल्ड वॉल्टर हार्टराइट. तो जो प्रोटोगोनिस्ट है, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है जो हीरो है इस कहानी का, इस नॉवल का, वो है वॉल्टर हार्टराइट. एंड इट्स एंड्स हैप्पीली. बहुत ही खुशी एंडिंग हो रही है आफ्टर द टू विक्ड एंटोगोनिस्ट आर किल. जो एंटोगोनिस्ट मतलब जो विलन है वो मर ना जाने के बाद में द प्रोटोगोनिस्ट जो हीरो है वॉल्टर एंड लॉरा आर फ्री टू मैरी. वो दोनों फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए. तो ये इसकी स्टोरी थी वुमेन इन वाइट. तो ये आपको याद रखना है. जितना इंपॉर्टेंट है वही हम करेंगे, नॉट मोर देन दैट. नेक्स्ट इज़ नो नेम एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1862. ये पब्लिश हुआ था 1862 में. दिस वॉज सीरियलाइज्ड इन डिकिन्स मैगजीन. तो ये जो डिकिन्स की एक मैगजीन थी उसमें जैसे सीरियल आता है ना, आज आ गया फिर कल आ गया, उस टाइप से ये कहानी दी जाती थी नो मैन. एंड द नेम ऑफ द मैगजीन वॉज, तो कौन सी मैगजीन में आता था? ऑल द ईयर राउंड. ये डिकिन्स की मैगजीन थी चार्ल्स डिकिन्स की, जिसमें विलियम विल्की कॉलिंस अपने ये नो नेम वाली सीरियल्स इसमें पब्लिश करवाते थे. द नेक्स्ट इज इट इज़ अ स्टोरी अबाउट वुमेन्स क्विस्ट. ये स्टोरी है वुमेन्स क्विस्ट की, टू एड्रेस एन इनजस्टिस दैट हैज़ कॉज्ड हर. जो इनजस्टिस उसके साथ हुआ था और उसकी बहन के साथ हुआ था, एंड हर सिस्टर टू बिकेम आउटकास्ट पेनिनलेस एंड robbed of their rightful inheritance.
जो टू मेरी लिजलिटी। तो ये स्टोरी है दो सिस्टर्स की जो आउटकास्ट कर दी गई थी, रॉब्ड कर दी गई थी ऑफ देयर राइटफुल इनहेरिटेंस, जो उसको इनहेरिटेंस मिलना चाहिए था, जायदाद मिलनी चाहिए थी, प्रॉपर्टी वो नहीं मिल पा रही थी। तो ये स्टोरी है नो नेम, नो नेम, ओके। एंड द नेक्स्ट इज आर्मडेल एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1866। ये पब्लिश हुई थी 1866 में एंड दिस नॉवल टॉक्स अबाउट टू जनरेशन्स ऑफ आर्मडेल फैमिली। तो आर्मडेल की दो जनरेशन्स के बारे में ये स्टोरी है एंड इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुबर्बन सर्विसेस अलॉन्ग द साउथ वेस्टर्न रेलवे इन 1890s। तो आपको याद रखना है कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, फ्रॉम सुबर्बन सर्विसेस अलॉन्ग द साउथ वेस्टर्न रेलवे इन 1890s। तो ये था आर्मडेल, रिटन बाय विलियम विल्की कोलिंस। द नेक्स्ट इज द मून स्टोन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1868 एंड दिस इज़ ए एपिस्टलरी नॉवल, मतलब लेटर्स के थ्रू। मैं किसी को लेटर लिखूं और वो कलेक्शन 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 के बाद में एक नॉवल ही बन जाए तो उसे हम कहेंगे एपिस्टलरी नॉवल है। एंड दिस वॉज ऑल्सो सीरियलाइज्ड, ये भी सीरियलाइज्ड हुई थी, सीरियल मतलब एक ऑल्टरनेट या जो भी रूटीन में इसको दिया जाता था, इन चार्ल्स डिकेंस मैगजीन, चार्ल्स डिकेंस की मैगजीन में, जिसका नाम है ऑल इज़ द फर्स्ट राउंड, ऑल द ईयर राउंड है, ये मिस्टेक हुई है, तो ऑल द ईयर राउंड। द नेक्स्ट इज दिस इज़ द फर्स्ट फुल एंड डिटेक्टिव नावल, ये फर्स्ट एक फुल एंड डिटेक्टिव नावल है। और इसका प्लॉट देख लेते हैं, देर इज़ ए गर्ल हुज नेम इज़ रैकल, तो एक लड़की है जिसका नाम है रैकल एंड शी इनहेरिट ए जिम फ्रॉम हर अंकल एंड दिस जिम गोज मिसिंग ऑन हर 18th बर्थडे पार्टी एंड इट इज़ ए लीगसी फ्रॉम हर अंकल, तो उसके अंकल ने वो गिफ्ट दिया था, हु इज़ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, जो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे हु सर्वड इंडिया, जिन्होंने इंडिया को सर्व किया था। तो ये इंडिया का नाम आया तो बहुत ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये याद रखना है कि किस में इंडिया का नाम आया था, रिटन बाय विलियम विल्की कोलिंस। तो हमें याद रखना है मून स्टोन ओवर द डायमंड इज ऑफ ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूबल टू 3 हिंदू प्रिस्ट। तो वैल्यूबल थी जो चीज़ें वो किसके लिए थी, 3 हिंदू प्रिस्ट के लिए एंड दिस 3 हिंदू प्रिस्ट डेडिकेटेड देयर लाइफ टू रिकवर, और इन तीनों जो हिंदू प्रिस्ट थे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी थी टू रिकवर दिस डायमंड, उस डायमंड को वापस लाने के लिए। एंड इट वॉज टेकन बाय अंकल ऑफ रैकल, और ये लेके कौन गया था, अंकल, जो रैकल के अंकल थे वो ले गए थे एंड गिवन टू रैकल, और जाके रैकल को दे दिया था। एंड इन इंडिया प्रिस्ट आर सर्चिंग फॉर दिस, और इंडिया के जो साधु थे, जो पुजारी थे, वो क्या कर रहे थे, इसी को सर्च कर रहे थे फॉर दिस डायमंड, वो ढूंढ रहे थे, मून स्टोन मतलब कि चमकता हुआ एक स्टोन, उसे ढूंढ रहे थे कौन, हिंदू प्रिस्ट इंडिया के। एंड देर इज़ ए रेफरेंस ऑफ इंडिया एंड हिंदू मैथोलॉजी, इसमें इंडिया का रेफरेंस लिया गया है और हिंदू मैथोलॉजी का रेफरेंस लिया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे हिंदू या इंडियन रेफरेंस लिया गया है विलियम विल्की कोलिंस ने, कौन सी राइटिंग में, तो आपको याद रखना है राइटिंग है मून स्टोन। तो किस टाइप का क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है इस टाइप का, देख लेते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विलियम विल्की कोलिंस नॉवल मून स्टोन टेल्स द स्टोरी ऑफ, किसके बारे में है स्टोरी, तो वो पूछा गया है। तो आंसर इज इट टेल्स द स्टोरी ऑफ फैबुलस येल्लो डायमंड, तो ये एक येल्लो डायमंड की स्टोरी है, स्टोलन फ्रॉम एन इंडियन श्राइन ऑफ रैकल्स अंकल, बाय रैकल्स अंकल। तो ये इंडियन श्राइन से चुरा लिया गया था, किसने चुराया था, रैकल के अंकल ने। तो ये स्टोरी है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, विलियम विल्की कोलिंस का जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम करेंगे कल आर्थर कोनैन डॉयल, आर्थर कोनैन
डोयल। तो कल की वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो डेली वीडियोस ज़रूर देखें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इसी चैनल पे मिल जाएगा। कहीं पे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जब भी वीडियोस देखें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। एक मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है अपने टाइम में से वीडियोज़ बनाने का, टाइम लगाने का। तो ज़रूर आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है, तो आप स्लाइड्स को भी ज़रूर पॉज करके ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।